हे गाइस, मैं हूं फारूक और आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग के फीचर के फ्लैगशिप गैलेक्सी S24 अल्ट्रा के बारे में। जैसे जैसे 2024 करीब आ रहा है, अफवाहें बढ़ती जा रही है और अब तक हम जो कुछ भी जानते हैं उसके बारे में हमें इनसाइड इन्फॉर्मेशन मिल गई है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं वीडियो के अंदर। सबसे पहले पावर हाउस जो कि गैलेक्सी S24 अल्ट्रा है, जो स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 या एक्सिनो 2400 चिपसेट से लेस होने की अफवाह है। उस स्पीड एंड एफिशिएंसी की इमेजिन करें जो आपके डेली वर्क एंड गेमिंग सेशन में लाएगी। और इतना ही नहीं, 144 रिफ्रेश रेट के साथ एक विजुअल फिस्ट के लिए तैयार हो जाइए, जिससे सिल्की स्मूथ डिस्प्ले हर स्वाइप एंड स्क्रोल का एक्सपीरियंस देगा। साथ ही जूम लेंस में से एक को बदलने के लिए 15 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस सेट किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सैमसंग पहले से ही इम्प्रेसिव गैलेक्सी S23 अल्ट्रा को कैसे पछाड़ सकता है। खैर, चैलेंज रियल है, बट अफवाहें एक्साइटिंग इम्प्रूवमेंट का सजेशन देती है। बेहतर लो लाइट में परफॉर्मेंस और यहां तक कि टाइटेनियम साइड उस प्रीमियम एक्सपीरियंस के लिए एक बड़ा मेन कैमरा सेंसर हो सकता है। कुछ गैलेक्सी 24 अल्ट्रा के लीक इमेजेस एंड कॉन्सेप्ट डिजाइन सामने आए हैं। यह दिखने में स्मूथ एंड स्टाइलिश है। अफवाहों के अकॉर्डिंग इसका वेट कम करने की पॉसिबिलिटी है, जो इसे और भी कंफर्टेबल बनाती है। डिजाइन की बात करें तो एक ऐसा कलर है जो आपको अट्रैक्ट करेगा। आपको इसमें कुछ बेसिक कलर जैसे ब्लैक, ग्रीन, पर्पल एंड येलो कलर्स होंगे और ऑरेंज, लाइट ब्लू एंड लाइट ग्रीन जैसे एक्सक्लूसिव कलर्स भी हो सकते हैं। गैलेक्सी S24 अल्ट्रा सिर्फ डिवाइस नहीं है, यह एक फैशन स्टेटमेंट भी है। अब डिस्प्ले के बारे में बात करें तो गैलेक्सी S24 अल्ट्रा में आपने जॉर्जियस 6.8 इंच पैनल को बेकरार रखने की उम्मीद है और इसमें 25 निट्स ब्राइटनेस की अफवाह है। आप सभी फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए कैमरे को और भी इंप्रूव करने की कोशिश किया जा सकता है। लीकर्स के अकॉर्डिंग 200 मेगापिक्सल सेंसर में भी इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, जो बेहतर कलर ग्रेडिंग एंड क्वालिटी इमेजेस दे सकती है। अब बैटरी एंड चार्जिंग पावर की बात करते हैं। अफवाह यह है कि गैलेक्सी S24 अल्ट्रा में हाई डेंसिटी के लिए एक स्टैक्ड बैटरी की फीचर दी जा सकती है, जो परफॉर्मेंस में 10% इंक्रीज करने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। और इसमें 65 वाट की मैक्सिमम चार्जिंग स्पीड है, जो लगभग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा से 50% फास्ट है। अब इसकी रिलीज डेट की बात करें तो कुछ लीकर्स के अकॉर्डिंग जनवरी के 20 से लास्ट तक लॉन्च होने की पॉसिबिलिटी है और यह सैन फ्रांसिस्को में लॉन्च हो सकता है। और आईफोन 15 की रिसेंट सक्सेस के साथ सैमसंग शायद आगे बढ़ सकता है अपनी प्लान्स के साथ। जैसे जैसे अफवाहें सामने आती रहती है, एक्साइटमेंट उतनी ही बढ़ती जाती है। अगर आपको इस फोन के बारे में और कुछ पता है जो हमने कवर नहीं किया है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और आपको गैलेक्सी S24 अल्ट्रा के बारे में और डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना ना भूलें, ताकि आप हमारी लेटेस्ट अपडेट के साथ रहें। इसके साथ ही हम इस वीडियो को खत्म करते हैं और हम जल्द ही आपके साथ एक नई वीडियो के साथ वापस आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और खुश रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।